जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपसे एक विशेष चीज पर चर्चा करने आई हूँ, और ये विशेष चीज है आपके घर में रोज बनने वाली आपकी रसोई की रोटी। जब किसी स्त्री का मंगल खराब होता है ना, तो उसके किचन कभी भी सही नहीं रह पाती। हमेशा उसके किचन में कोई ना कोई मरम्मत होती रहती है। कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है। आपके अन्न के अंदर हमेशा कीड़े पड़े रहते हैं। आपके घर में चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं। किचन के अंदर झूठे बर्तन हमेशा श्रिंक में रहते हैं। आपके घर में हमेशा बहने वाला जो नल होता है आपकी रसोई का, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। या तो नाली ब्लॉक हो जाएगी, या वो नल खराब रहेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आपको होगी ही होगी अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है। जब मंगल खराब होता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वो आपको शारीरिक कष्ट देता है। दूसरी उसकी जो स्टेज होती है, जैसे किसी भी बीमारी की स्टेज होती है ना, कैंसर की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसी स्टेज होती है, इसी तरह ग्रहों के भी खराब होने की स्टेजेस होती हैं। दूसरी स्टेज होती है जब आप खुद अपने ही घर में रहकर बहुत दुखी रहें, आपके घर के लोग हमेशा आपके साथ दुर्व्यवहार करें, आपकी बात को कोई समझे ना, और आप हमेशा कलेशों में रहें। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में आप ये मान के चलिए कि आपका मंगल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। तीसरी स्टेज पर जब मंगल खराब होने लगता है, तब मंगल आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरीके से खराब कर देता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जब आपको और आपके पति को एक दूसरे से अलग रहना पड़े। अगर अनमैरिड लड़कियां हैं तो उनका विवाह नहीं हो पाता। विवाह तय होगा, लेकिन जब बात शादी पर पहुंचेगी, फेरों पे पहुंचेगी, तो वो समाप्त हो जाएगा। कुछ स्थिति परिस्थिति में तो हम ये भी देखते हैं कि अगर मंगल सातवें या बारहवें घर का है, तो ऐसी स्थिति में आपको अग्नि के फेरे लेकर कभी भी विवाह करना ही नहीं चाहिए। और आपके घर की जो किचन है, उसके अंदर आपको साउथ कोने में हमेशा एक लाल रंग का बल्ब जलाना चाहिए। पर ये उपाय जो मैंने अभी आपको बताया, ये हर किसी के लिए तो लागू नहीं होते। केवल उन लोगों के लिए लागू होते हैं जिन लोगों की कुंडली के अंदर बैठा हुआ मंगल सच में उनके लिए दंगल कर रहा है। और ये कैसे पता चलेगा? ये आपको हमसे पता चलेगा, क्योंकि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का साथ देने चली आती हूँ। मंगल अगर कुंडली के अंदर पीड़ित होगा, तो आपको चौथी स्टेज जो मिलेगी, वो जानते हैं क्या मिलेगी? आपको अपने ही घर में हमेशा परायों जैसा व्यवहार मिलेगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चौथी स्टेज किसी स्त्री की हो या किसी पुरुष की हो, ये किसी शादीशुदा की हो या किसी अविवाहित की हो। चौथा स्टेज का मंदा मंगल हमेशा इंसान को अकेला कर देता है। भीड़ में रहकर भी ऐसा इंसान तन्हा होता है, उसे समझने वाला, उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। आपके हाथ में भी अगर आपके ये मध्य भाग पर बहुत सारी लकीरें होती हैं जो आपस में एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं, जाल सा बना लेती हैं, तो भी आपका मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन में दंगल जरूर करता है। मंगल से हम बहुत आसानी से, सरलता से कैसे उसके दुष्प्रभावों को दूर करके बाहर निकल सकते हैं? बहुत छोटा सा उपाय, घर में ही बनने वाली आपकी रोटी से। अगर आपका मंगल आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, तो मंगलवार के दिन आपको मीठी रोटी सांड को खिलानी चाहिए।
अगर आपको मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है तो मंगलवार के दिन तंदूर में 5 मीठी रोटी बनवा कर आपको मजदूरों को खिलानी चाहिए। वो जो कामकाजी मजदूर होते हैं ना, भिखारी नहीं, मेहनत करके कमाने वाले जो लोग होते हैं, रिक्शे वाले हो गए, जो ठेला चलाते हैं, ऐसे लोगों को आपको खिलानी चाहिए। अगर मंगल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है ना, तो आपको आटा लगाते समय उसमें थोड़ा सा गुड़ का पानी डाल लेना चाहिए और वो रोटी आपको कौओं को खिलानी चाहिए। अब कोई मुझसे ये ना कहे कि हमारे यहाँ ये नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैंने 3 उपाय दिए, 3 में से 1 उपाय तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपका व्यापार मंदा चल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपने व्यापार को लेकर, तो आपको शनिवार के दिन 5 गेहूं की रोटी लेकर उसके ऊपर सरसों के तेल में बनी हुई बैंगन आलू की सब्जी रखकर भिखारियों को खिलानी चाहिए। अगर आपके घर में बहुत कलह रहता है और आप अपने जीवन में बहुत दुखी रहती हैं, तो आपको नियमित रूप से पहली रोटी गाय की ज़रूर निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते को ज़रूर खिलानी चाहिए। अगर आप किसी को वश में करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि वो व्यक्ति सदा सर्वदा आपकी बात को सुने, आपकी बात को माने, तो आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। गिनती के 7 दाने चीनी के ले लीजिए, उन्हें अपने सीधे हाथ में रख लीजिए, 18 बार ओम श्रीम, ओम श्रीम इस मंत्र का पाठ कर लीजिए। ये दाने आटे में मिलाकर आटा लगा लीजिए, उस आटे की रोटी बनाइए और उसके ऊपर बूंद बूंद करके घी डालिए, 11 बूंद घी डालिए, और जब आप घी की एक बूंद डालें तो बोलिए श्रीम। ऐसा करते ही कुछ दिनों में, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 घंटे, 6 घंटे में काम नहीं होगा, कुछ दिनों में आपको इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। वो व्यक्ति आपकी बात भी सुनेगा और आपको महत्वता भी देगा, मान सम्मान भी मिलेगा। जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में यश कीर्ति नहीं मिलती, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, उन्हें क्या करना चाहिए? आपको तांबे के लोटे के अंदर या तांबे के पात्र के अंदर, ग्लास हो, जग हो, लोटा हो, कुछ भी हो, इसके अंदर सुबह सुबह सूर्य उदय के वक्त थोड़ा सा पानी भरकर सूर्य के सामने रख देना चाहिए। दिन में लगभग 11-12 बजे के करीब आपको इस पानी से आटा लगाना चाहिए। 4 रोटी मोटी मोटी बना लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए, गुड़ रख दीजिए और एक बिल्कुल बूंद भर आप उसके ऊपर हल्दी डाल दीजिए। ये 4 रोटियां ले जाकर दिन दोपहरी में, एकदम तपती हुई दोपहरी में आप गौ माता को खिला दीजिए। करके देखिए, यश मान कीर्ति साथ ही साथ में सरकारी नौकरी, आपके जीवन में अटके हुए काम, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है तो ये समस्या, और साथ ही साथ में अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है ना, तो ये भी समस्या को ये छोटा सा उपाय दूर कर देगा। ज़रूर करिएगा मेरी जान, और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा
लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।